नमस्कार, मैं प्रीति शर्मा और आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। खबर बरेली से है। बरेली के बहेड़ी में सप्लाई इंस्पेक्टर की मिली भगत से, कोटेदार मनमानी करने पर तुला, ग्रामीणों को नहीं देता राशन, राशन मांगने पर करता है गाली गलौज। वहीं जब सप्लाई इंस्पेक्टर से शिकायत करने उनके दफ्तर पहुंचे ग्रामीण तो धमकी देते हुए बोले कि दोबारा आए तो मुकदमा लिखा दूंगा तुम सब पर। दरअसल बरेली के तहसील बहेड़ी में गोपालपुर गांव के ग्रामीणों का आरोप है कि कोटेदार ग्रामीणों को राशन नहीं बांटता है, जिसके कारण लॉकडाउन में दो वक्त की रोटी की किल्लत शुरू हो गई है। जब ग्रामीण कोटेदार के राशन वितरण करने को कहा तो कोटेदार गाली गलौज करने लगा, जिसके बाद ग्रामीण बहेड़ी में सप्लाई दफ्तर पहुंचे तो सप्लाई ने ग्रामीणों से अभद्रता की और धमकी दी कि दोबारा यह शिकायत करने आए तो तुम सब पर मुकदमा दर्ज करवा दूंगा। जिसके बाद ग्रामीण उप जिला अधिकारी के कार्यालय पर पहुंचकर SDM बहेड़ी सुधीर कुमार को अपना शिकायती पत्र दिया और कोटेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। आप देख रहे हैं बरेली से शाहिद अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। नमस्कार। की वजह से उसको खाने के लाले पड़े हुए हैं और वो लोग हमारे यहाँ आते हैं, हम कोई उन्हें संतुष्ट जवाब नहीं दे पाते हैं उन लोगों को कि हम आपका राशन कार्ड बनवा पाएंगे या आपको हम गल्ला दिलवा पाएंगे या नहीं दिलवा पाएंगे। कुछ ऐसे आरोप भी लगे सप्लाई दफ्तर। क्या नाम है? कृष्ण पाल। कहाँ से आए? गोपालपुर से। कैसे आए सप्लाई दफ्तर, क्या मामला है? सर हमारे यहाँ राशन जो डीलर है वो राशन नहीं दे पा रहे हैं। मार्च का राशन उठा के अप्रैल में बांटा 2 तारीख में, इस बार जो राशन बढ़ता अप्रैल का वो उन्होंने उठाया नहीं है। अब जो फ्री वाला राशन आया मोदी जी वाला वो बांट रहे हैं केवल बात, जब पीछे का राशन मांगने के लिए कह रहे हैं तो कह रहे हमारे पास नहीं, जो कर सको वो कर लो, अब चाहे कहीं भी चले जाओ हम राशन नहीं दे पाएंगे। आप लोगों ने शिकायत की थी सप्लाई? शिकायत की थी सप्लाई इंस्पेक्टर साहब गए थे तो उन्होंने लोगों से कहा था, पूछा था, तो जिनने शिकायत करता थे उनने कहा था, तो उनको जो धमका रहे थे बोले जो मिल रहा है वो ले लो वरना कुछ नहीं होगा। कौन धमका रहे थे? ये जो गए थे सर, क्या कहते हैं, क्या नाम है, सप्लाई दिलीप कुमार, दिलीप कुमार जी। इन्होंने ग्रामीणों को धमकी दी है। क्या कहा? कि मुकदमा दर्ज करा दूंगा अगर ज्यादा बलवा करोगे तो, मुझे करोगे तो आपके खिलाफ ही मुकदमा दर्ज हो जाएगा। तो आज आप लोग क्या SDM के पास आए? SDM साहब के पास आए, अभी वो मिलने नहीं दे रहे हैं, कह रहे अभी थोड़ी देर में बाहर आएंगे SDM साहब, तब आप बात कर लेना, आपकी एडमिशन ली जाएगी। कितने दिन से परेशान है आप लोग? परेशान तो सर हम करीब अप्रैल से, वो सॉरी मार्च से परेशान है सर, मार्च से गल्ला नहीं दिया कुछ लोगों को। तो जिन लोगों के पास गल्ला नहीं, क्या उनके पास और कोई साधन है खाने का या खाना नहीं मिलता? नहीं सर, खाना तो खाएंगे, साधन तो है, 2-2.5 बीघे जमीन है, उसमें थोड़ा बहुत गल्ला हो जाता है, कोई कर रहा है या किसी से उधार ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मेरा कुछ पेट तो भर रहा है, भरना ही है। कई लोगों को देखा जा रहा है, कई जगह धमका रहे हैं। गोपालपुर गांव का एक मामला आया है कि वहां कोटेदार ने धमकाया और सप्लाई इंस्पेक्टर ने भी धमकाया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक गोपालपुर की बात नहीं है, पूरे क्षेत्र में कहीं पर भी गरीबों को राशन नहीं मिल रहा है और पहले से ही नहीं मिल रहा था। अब प्रधानमंत्री कहते कुछ हैं, मुख्यमंत्री कहते कुछ हैं और यहाँ पर, लेकिन कोई भी कोटेदार एक तो पूरा माल नहीं दे रहा है और जो फ्री देने की बात कर रहे हैं उसमें भी सब पैसे ले रहे हैं। बुरी हालत है, गरीब परेशान है और आज लॉकडाउन चल रहा है, किसी को मजदूरी नहीं मिल रही है, कोई काम नहीं हो रहा है और ऐसे में जो मजदूर पेशा लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो भुखमरी की कगार पे हैं और ऐसे हालात पैदा होते जा रहे हैं कि लोग भुखमरी से, कहीं लॉकडाउन से तो बच जाएंगे लेकिन भुखमरी से नहीं बच पाएंगे। और ऐसे में अगर इन सप्लाई दफ्तर की अगर मिली भगत नहीं है तो ये क्यों नहीं बट रहा है पूरी तरह से? और जिस तरह से, जैसे आप लोग बता रहे हो कि गोपालपुर के लोग आए और उन्होंने, इंस्पेक्टर ने उनसे अपशब्द कहे, तो ये निंदनीय है, उन्हें अपशब्द नहीं कहना चाहिए। जनता की भलाई के लिए, जनता को सप्लाई देने के लिए ही वो इंस्पेक्टर हैं, जनता अगर कहीं परेशान है तो उनकी बात सुनकर उस पर एक्शन।